अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज सैटरडे दिन से रोज़ बनाने का तरीका लेके हाजिर हूँ। उसके लिए हमें ज़रूरत होगी कैंडल की, एक गत्ते की पीस की, या स्केल ले सकते हैं चाहें तो, और सैटरडे की इस तरीके से लोगों के दोनों एंड्स को जो है वो कैंडल की मदद से जो है वो ताकि जो उनके फाइन कर लेने। और फिर इस मेथड से हमें क्या करना है, आड़ा करके इस तरीके से पूरे रूम में प्लेट्स बनाते जाना है। ये देख सकते हैं कि रूम में जो है वो प्लेट्स डालेंगे, इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और नेक्स्ट साइड को कवर करते जाएंगे। यहाँ पर वीडियो को गौर से देखने की ज़रूरत है क्योंकि साइड्स पलटी जा रही हैं। और फिर इस तरीके से कैंडल की मदद से उसको हीट देकर प्लेट्स मेंटेन की जा रही हैं। इस एग्जैक्ट तरीके से इस तरीके से गत्ता पलटेंगे और फिर दोबारा इस तरीके से पूरे रूम में हमने ये मेथड को फॉलो करते जाना है। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ये रोज़ेस आप कपूर डिज़ाइनिंग में, बच्चों की फ्रॉक्स में यूज़ कर सकते हैं, कंगन बना सकते हैं, कड़े पे लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए पूरे रिबन पे टेप्स करने के बाद पूरे रिबन का लुक दिया है। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी इसमें धागे की, हमने सुई धागा लिया। इस तरीके से जो है वो एक कॉर्नर से पिरोना शुरू किया। हमें सुई धागे को जो है वो छोटे छोटे बिठा के लेकर यहाँ पर गौर से देखें कि जो एक साइड हमने लेनी है तो वो एक ही साइड लेनी है और बिल्कुल आराम आराम से जो है वो सुई धागे को पिरोते जाना है इस रिबन में। ये देख सकते हैं आप, तो इस तरीके से ये पूरे रिबन में हमने पिरो लेना है। ये देख सकते हैं हमने पूरे रिबन में पिरो लिया है। और जो है वो पिरोने के बाद हमने हल्का सा धागा खींच लिया ताकि थोड़ी सी चुन आ जाए। चुन ज़रूरी है ताकि उससे हमारा फ्लावर अच्छे से बने। हल्का सा धागे को खींचते जाएंगे ताकि जो पेटल्स हैं, जो हमने पैटर्न अरेंज किया है, वो जो है वो करीब आ जाए। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपने चुन देना है, हल्की से चुन आ जाए और फिर धागे को पकड़ कर देना कंप्लीट करने के बाद। इस बाबर तक महीने में दुआओं में ज़रूरी याद रखें। अब हमने क्या करना है कि एक कॉर्नर से जो है वो इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। जैसे जैसे फोल्ड करते जाएंगे रोज़ का पैटर्न हमारे पास आता जाएगा। आप जब खुद बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा।
आप कोई सी भी जो है वो स्टिकिंग मटेरियल जिससे कपड़ा या रिबन स्टिक हो जाता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं UHG का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेमेंटिक स्टिकोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समिट बॉम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं इसको चिपकाने के लिए। ये देखें हम थोड़ा थोड़ा लगाते जाएंगे और इस तरीके से पैटर्न देते जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से हमने करते करते पूरा पैटर्न जो है वो बना लेना है। वीडियो स्लो और डिटेल में रखने का मकसद यही है ताकि जो बिगिनर्स में हैं वो इस फूल के पैटर्न को आराम से सीख लें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फूल का डिज़ाइन कैसा लगा। थोड़ा थोड़ा सा साथ में जो है वो प्रेस करते जाएँ ताकि कपड़ा जो रिबन है वो अच्छे से जो है वो स्टिक हो जाए। हल्के हाथ से प्रेशर देना ज़रूरी होता है। देख रहे हैं आप जैसे जैसे हम बनाते जा रहे हैं हमारा रोल जो है वो ड्राई होता जा रहा है और प्रॉपर शेप में आता जा रहा है। ये देखें जनाब, ये इस तरीके से हमारा पूरा रोज जो है वो बन जाएगा। एंड के कॉर्नर पर एडजस्ट करूँ तो इस तरीके से रोज का डिज़ाइन मौजूद है।